तो स्टूडेंट्स आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना पूरा एक डिस्कशन जो है वो एक करीब करीब मान के चलिए कि 70 टू 80 क्लासेस का होता है वैसे कहने को तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं चाहे वो आप आई यू पी की बात करें आइसोमेरिजियम स्टीरियो आइसोमेरिजियम की बात करें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की बात करें एंड देन उसके बाद आप रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो ऐसे तो करीब करीब 10 से 12 टॉपिक आते हैं लेकिन मेरे लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लेक्चर है सॉरी एक टॉपिक है वो अलग बात है कि वो पूरा टॉपिक में आपका सेवन 80 लेक्चर्स में खत्म करूंगा मतलब 70 से 80 लेक्चर का ये एक सिंगल डिस्कशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और बहुत केयरफुल रहिएगा राइट फ्रॉम आईयूपीएसी राइट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन आइसोमेरिज्म देन जीओसी इतना पोर्शन करीब करीब आपका 50 परसेंट डिस्कशन है मतलब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री देन बेसिक्सिस्ट्री देन जीओसी ये करीब करीब 35 से 40 क्लास में मैं खत्म करूंगा और बाकी का जो फिफ्टी परसेंट है वो me, अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे जो मैं बातें करूंगा यहां तो आई कैन एश्योर यू कि हंड्रेड परसेंट स्कोर करेंगे ओके okay, तो आज हम जो शुरुआत करेंगे बिना ज्यादा और समय इस डिस्कशन पर लिए हुए आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक केमिस्ट्री इसमें मैं आपको बताऊंगा कि या अगर कोई मॉलिकुलर फार्मूला गिवेन है तो उससे कैसे हम स्ट्रक्चरल फार्मूले और किस तरह से उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं तो शुरुआत करें उससे पहले मैं डिफाइन कर दूं आपको कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है तो देखिए यहां पर एक डेफिनेशन है इस बात का आप लोग बिल्कुल ख्याल रखिएगा ठीक है कि आ, ऐसा नहीं कि दुनिया में इस कार्बन के सारे कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है देखिए ये बात आप लोग भी जानते हो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नो डाउट वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही मतलब ऐसे कह लें कि इन दोनों का होना तो मस्ट है होंगे ही होंगे कार्बन और हाइड्रोजन इसके साथ साथ कुछ कंपाउंड्स में हमें वहां पर नाइट्रोजन हाइलोजन और ऑक्सीजन मिलता है मे बी जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट हो लेकिन नाइट्रोजन हाइलोजन एक्स और ऑक्सीजन भी हो सकता है कुछ एक केसेस में आपको वहां पर फास्फोरस और सल्फर भी मिल सकते हैं तो ये थोड़ा कम है रेयर है लेकिन मिलते हैं ओके और मेटल से भी अछूता नहीं है ये आपको पता है चाहे वो वर्ड्स रिएक्शन हो चाहे ग्रेगनार्ड्स रिएक्शन हो चाहे गिलम रिएजेंट हो और कई सारी जगहों पर ये भी आपको रेयरली दिखेंगे मेटल्स भी देखेंगे तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये मेनली आपके मेटल्स मिलते हैं इसमें ध्यान रहे कि आपका जो कार्बन है उसका वैलेंसी चार रहेगा आपको पता ही है हाइड्रोजन की वैलेंसी एक नाइट्रोजन का वैलेंसी यूज़ुअली थ्री या सम टाइम्स आपको फोर भी मिल सकता है क्योंकि नाइट्रोजन का वैलेंसी फोर होता है Halogen's का जनरली वन मिलता है और ऑक्सीजन का जनरली दो फॉस्फोरस का जनरली थ्री या फाइव हो सकता है और सल्फर का दो भी हो सकता है चार भी हो सकता है और छ भी सोडियम की वैलेंसी जनरली वन मैग्नीशियम का टू और कॉपर का वन और टू दोनों मिल सकता है ये मैं एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं कि ये वाले एलिमेंट आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकते हैं और उनके ये पॉसिबल वैलेंसीज हो सकती हैं ओके okay, थोड़ा सा आप शुरुआत से केयरफुल रहेंगे तो मैं जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100 परसेंट आपका स्कोर होगा ऑर्निक केमिस्ट्री में कोई रीजन नहीं बनता है कि आपका स्कोर ना है लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी इन वीडियोस को रेगुलरली आपको रिवाइज करना पड़ेगा उसके बाद डेफिनेटली आपसे होगा और नोट्स बहुत अच्छे कॉपी पर बनाइएगा जो भी मैं यहां लिखूंगा वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो आराम से लेकिन नोट्स बढ़िया से जरूर बना लेना खैर तो मैं ये कह रहा था कि सारे compound, organic compound नहीं होते हैं अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए तो यहां पर एक लाइन ये लिखी हुई है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मतलब जो कार्बन के कंपाउंड हैं अदर देन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट आयन बाई कार्बोनेट एथसियन एच एनसी यह सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट एथसीयन एच एनसी इनको छोड़ दीजिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है लेकिन बाकी के सारे कंपाउंड जो हैं कार्बन के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोग पढ़ते भी हो कि जैसे उसमें हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन डिफाइन करते हैं जैसे हम कहते हैं कि वन डिग्री कार्बन टू डिग्री कार्बन थ्री डिग्री कार्बन फोर डिग्री कार्बन ध्यान रखिएगा फर्स्ट क्लास है पहला लेक्चर पहला वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और बहुत ही बेसिक और सिंपल चीजें मैं आपको एक दो क्लास तक बताने वाला हूं ठीक है तो नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है जैसे आप कहते हो प्राइमरी कार्बन तो प्राइमरी कार्बन ऐसे किसी भी कार्बन को कहते हैं जो या तो अकेला हो जैसे मीथेन का कार्बन सी तो ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये एक अकेला कार्बन है देखिए यहां पर नीचे एग्जाम्पल लिखा भी है जैसे मीथेन की अगर बात करें तो मीथेन का कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि मीथेन में आपके कार्बन के साथ सिर्फ हाइड्रोजन जुड़े हैं तो अकेला कार्बन वन डिग्री कार्बन और अगर किसी कार्बन से एक कार्बन और लगा हो जैसे कि सी एस थ्री सी एस थ्री की अगर मैं बात करूं यहां पर अगर मैं बात करूं सी एच थ्री सी एच थ्री की ओके तो सी एस थ्री सी एस थ्री में भी दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन कैसे देखो इस कार्बन से एक ही तरफ कार्बन है बाकी तरफ हाइड्रोजन है और इस कार्बन से भी एक ही तरफ कार्बन है और बाकी तरफ हाइड्रोजन है सो व्हाट इज वन डिग्री कार्बन वन डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन एक अकेले कार्बन एटम को या एक कार्बन एटम जो एक तरफ और कार्बन से जुड़ा है उसको कहते हैं मतलब या तो उस कार्बन से कोई कार्बन ना जुड़ा हो तो वन डिग्री कार्बन या उसे एक तरफ कार्बन हो तो वन डिग्री कार्बन और इसी आधार पर तुम सेकेंडरी कार्बन या टू डिग्री कार्बन बता लोगे कि ऐसा कार्बन जिससे दो और कार्बन जुड़े हो जैसे यहां पर अगर आप देखो इस सेकेंड सॉरी थर्ड एग्जांपल में तो इस थर्ड एग्जांपल में अगर आप ध्यान दें और अगर आप लोग समझ रहे हो तो शायद पहला कार्बन ये वन डिग्री है क्योंकि इससे एक तरफ कार्बन सिर्फ है लेफ्ट में और ये कार्बन भी वन डिग्री है क्योंकि इससे भी राइट में एक कार्बन जुड़ा है बट ये बीच वाले दोनों कार्बन टू डिग्री है ये भी टू डिग्री और ये भी टू डिग्री है क्यों ऐसा क्योंकि इस कार्बन से भी दो तरफ कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से भी दो तरफ कार्बन जुड़ा है तो ये भी टू डिग्री कार्बन हुआ आगे चलो थ्री डिग्री कार्बन या टर्शरी टी ई आर टी शॉर्ट में लिखा जाता है टी ई आर टी तो टी ई आर टी का मतलब है टर्शरी कार्बन जैसे अगर इस वाले एग्जाम्पल में आप ले तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है जो वहां है जो मैंने यहां ड्रॉ कर दिया है ये वाला क्वेश्चन ओके तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे और अगर आपको दिख रहा हो तो शायद ये वाला कार्बन थ्री डिग्री कार्बन है क्योंकि इससे तीन तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है और अगर मैं इसकी बात करूं तो वन डिग्री है ये वाला भी वन डिग्री है ये वाला भी वन डिग्री है फाइन नेक्स्ट फोर डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी ध्यान दीजिएगा टर्म है क्वाटरनरी ओके okay, क्वार्टर नहीं है क्वेटर है quarter नरी ओके okay? तो नरी का मतलब जिससे चारों तरफ कार्बन जुड़ा हो फोर अदर कार्बन एटम्स जैसे कि अगर आप देखिए तो एक एग्जाम्पल यहां पर और है दिस वन इसमें अगर आप देखिए तो अगर आपको दिख रहा हो तो बीच वाला ये वाला जो कार्बन है यह फोर डिग्री कार्बन है ये वाले चारों कार्बन वन डिग्री हैं क्योंकि इन सबसे एक ही तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है तो क्या बात समझ आई एक अकेला कार्बन हो या अगर उससे एक और कार्बन जुड़ा हो तो प्राइमरी अगर किसी कार्बन से दो कार्बन जुड़े हो तो सेकेंडरी अगर तीन कार्बन जुड़े हो तो टर्शरी और अगर चार कार्बन जुड़े हो तो क्वेटर ध्यान रखिएगा कार्बन के ही नेचर के आधार पर समझेगा कार्बन के नेचर के ही आधार पर हम हाइड्रोजन का भी नेचर डिसाइड करते हैं मतलब कहने का वन डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन वन डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन टू डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन टू डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड सो ऑन मींस यू कैन से दैट द नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिसाइडेड फ्रॉम द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच नेचर ऑफ हाइड्रोजन इज डिसाइडेड फ्रॉम द नेचर ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का ही नेचर हाइड्रोजन का नेचर होगा तो अगर आप लोगों को समझ आ गया तो मैं चाहूंगा जरा उस कंपाउंड में फटाफट -फड़ बता दो कितने टाइप के कौन से कार्बन है और कितने टाइप के कौन से हाइड्रोजन है मतलब वन डिग्री से लेकर फोर डिग्री तक के कार्बन एटम्स की संख्या और वन डिग्री से लेकर फोर डिग्री तक के हाइड्रोजन एटम्स की संख्या तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें बिना बहुत ज्यादा समय लिए हुए सिक्सटी सेकंड्स वीडियो को पॉज करो और उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन देखें ओके तो देखेगा आप मैं सोल्यूशन बता रहा हूं होप कि अब तक आपने सॉल्व कर लिया देखो ये तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपकी है इसमें जो कॉर्नर है बेसिकली वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है तो बेसिकली यहां पर एक कार्बन है यहां कार्बन है ये कार्बन है ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है ये जितने भी आपके जंक्शन हैं या कॉर्नर हैं ये सब कार्बन है अब रही बात अगर काउंटिंग करें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टनरी की तो शायद ये वाला कार्बन प्राइमरी है ये वाला प्राइमरी क्योंकि इन सबसे एक ही तरफ कार्बन जोड़ा है तो ये सारे के सारे कैसे हैं प्राइमरी तो प्राइमरी कार्बन कितने हैं सेक्स सेकेंडरी कार्बन आप देख सकते हो ये सेकेंडरी है ये तो टर्शरी होगा ये भी टर्शरी है और ये तो क्वार्टरनरी हो गया तो शायद सेकेंडरी कार्बन एक है टर्शरी कार्बन ये है क्योंकि तीन तरफ कार्बन है टर्शरी कार्बन ये है क्योंकि तीन तरफ कार्बन है तो टर्शरी कार्बन या थ्री डिग्री कार्बन एटम दो और क्वेटर कार्बन ये वाला है शायद क्योंकि इसके आप देख सकते हो चारों तरफ कार्बन है तो क्वेटर कार्बन वन हाइड्रोजन आप जानते हो इस प्राइमरी कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इससे शायद तीन हाइड्रोजन जुड़े होंगे क्योंकि कार्बन को वैलेंसी सेटिस्फाई से करनी होती है चार तो एक तरफ इसके कार्बन है तो बाकी तीन तरफ हाइड्रोजन होगा और शायद हर प्राइमरी कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन तो छह प्राइमरी कार्बन से अठारह प्राइमरी हाइड्रोजन मतलब इस कंपाउंड में टोटल आप देख सकते हैं कि 18 वन डिग्री हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन पर चार बॉन्ड बनाने के लिए शायद दो हाइड्रोजन मिसिंग होंगे तो वहां पर दो हाइड्रोजन आ जाएगा टर्शरी कार्बन यह भी है इससे भी चार बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन और इससे भी चार बॉन्ड बनाने के लिए एक हाइड्रोजन एक क्यों क्योंकि तीन तरफ तो कार्बन ही है ना तो तीन तरफ अगर कार्बन है तो इस टर्शरी पर भी एक हाइड्रोजन इस टर्शरी पर भी एक हाइड्रोजन तो टर्शरी हाइड्रोजन दो और अब बात आती है हाइड्रोजन की उम्मीद है कि आप सब लोगों ने काउंट कर लिया है तो जरा सोच के बताइए अगर आपने कर लिया है कि फोर डिग्री हाइड्रोजन एटम्स की संख्या इसमें कितनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने आंसर जो लिखा होगा वो प्रोबेबली जीरो लिखा होगा कि फोर डिग्री हाइड्रोजन नहीं है मेरा यह कहना है कि जीरो आंसर नहीं है इनफैक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फोर डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट डिफाइंड चार डिग्री हाइड्रोजन कुछ होता ही नहीं है क्यों नहीं होता है क्योंकि चार डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्वार्टरनरी हाइड्रोजन और फोर डिग्री हाइड्रोजन मींस दिस हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू फोर डिग्री कार्बन एटम और आपको पता है कि फोर डिग्री कार्बन में ऑलरेडी चारों तरफ क्या जुड़ा होगा यार कार्बन तो हाइड्रोजन के जुड़ने की जगह ही कहां बची इसलिए फोर डिग्री हाइड्रोजन जैसा कुछ भी नहीं होता है ओके okay, फाइन। तो यह, यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेचर ऑफ कार्बन एंड नेचर ऑफ हाइड्रोजन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्वार्टनरी कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हाइड्रोजन आगे बढ़ते हैं कुछ और छोटी मोटी बातें डिस्कस किया जाए इस टॉपिक में जैसे एक बात आप लोगों को पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है बहुत सारे तरीके हैं इवन आप लोगों को क्लास नाइन और टेन में भी सिखाया जाता है कि साहब अगर ऐसे लिखा गया अगर ऐसे लिखा गया लेट से सी फोर एच टेन तो तुम सबने पढ़ा है कि इसको बोला जाता है क्या मॉलिकुलर फार्मूला आणविक सूत्र अगर हिंदी में कहा जाए तो आणविक सूत्र या मोलिकुलर फार्मूला लेकिन इसी का अगर हम स्ट्रक्चर बना दें जैसे कार्बन पर तीन हाइड्रोजन सी एच थ्री फिर अगले कार्बन पर दो हाइड्रोजन सी एच टू फिर अगले कार्बन पर दो हाइड्रोजन सी एच टू और फिर चौथे कार्बन पर अगेन तीन हाइड्रोजन तो आपको पता होगा कि इसको बोला जाता है साहब क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एक होता है मॉलिकुलर फार्मूला सारे बॉन्ड दिखा दें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसी में थोड़ा बदलाव कर दो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो ये है ना इनको खा जाइए और कार्बन कार्बन बॉन्ड को अगर खा जाएं ठीक है और इन बॉन्ड्स को भी खा जाएं जो कार्बन हाइड्रोजन है तो शॉर्ट में लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हटा दिया आपने तो ये वाला जो बनता है यहां पर इस फार्मूले को कहा जाता है कंडेंस्ड फार्मूला हालांकि जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपकी नॉलेज के लिए जस्ट बता दे रहा हूं इसको फार्मूला और अगर अब कार्बन कार्बन भी हटा दें, पहले मैंने हाइड्रोजन हटाया है कार्बन हटा दें, तो सी एस थ्री सी एच टू सी एस टू सी एस थ्री तो इसको साहब बोला जाता है सुपर कंडेन्स्ड फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला कंडेंसड फार्मूला एंड सुपर कंडेन्ड फार्मूला और एक तो ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन है कि बॉन्ड ही नहीं आप एटम भी खा सकते हैं एटम भी खा जाइए और ऐसे लाइन से ड्रॉ कर दीजिए और यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपके एग्जाम्स में ठीक है और इस फॉर्मूले को कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन ध्यान रखिएगा क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन नोट कर लीजिएगा अच्छे से ओके इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो कार्बन होते हैं इसमें लेखा नहीं होता है बट ये अंडर है कि इसमें जो कार्नर्स है ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन एटम को बट हम कार्बन एटम को दिखाते नहीं है हम दिखाने को सिर्फ ऐसे दिखाते हैं समझ आई बात तो ये एक सिंपल पॉइंट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्निक कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला सारे बॉन्ड है तो स्ट्रक्चरल फार्मूला सी और एच वाला बॉन्ड हटा दीजिए तो कंडेंस्ड फार्मूला सी और सी वाला भी हटा दीजिए तो सुपर कंडेंस्ड फार्मूला और अगर सारे कार्बन भी खा जाइए सिर्फ लाइंस दिखाइए तो उसको कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन आगे बढ़ते हैं होप आपको समझ आया है वीडियो पॉज करो और अच्छी तरह से इसको नोट करें नोट्स बनाएं बढ़िया से देखिए एक बात नोट्स पर आ रही है तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद कितना सीरियसली नोट्स बना रहे हैं बट मेरा बस आपसे यह कहना है कि अगर आप सारे नोट्स अच्छी तरह से मेरे बनाते हैं तो जो मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं बस इतना ही चैलेंज कर सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन एक भी कॉन्सेप्ट अगर नोट से बाहर का आता है तो ये मेरा चैलेंज है कि इट्स इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता और ना ही आपको किसी बुक की आवश्यकता होगी सिर्फ आपको जो मैं मटेरियल आपसे शेयर करूंगा उसके क्वेश्चंस को उस पैकेज को जो स्टडी पैकेज होगा उसको सॉल्व करना है नोट्स बढ़िया से लिखने हैं तो हो ही नहीं सकता है कि कुछ भी ऐसा आए जो आपके नोट्स में इसको पढ़ने के बाद एग्जाम नहीं दे देते हैं तब तक आपको ऑब्वियसली मेरे ऊपर फेथ करना पड़ेगा लेकिन एक बार जब आप एग्जाम दोगे तो आपको जरूर फील होगा कि अप टू जेई एडवांस्ड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो इन नोट्स से हम सॉल्व ना कर पाए बट सीरियसली ईमानदारी के साथ पढ़ना है नोट्स बनाना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की के एक खास बात जो सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं मुझे लगता है वो है रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिसको अगर आपने रेगुलरली रिवाइज नहीं किया आप दस दिन दूर रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा पर हाइड्रोजन भी लिखेंगे ना तो सोचोगे कि यह क्या लिखा हुआ है इसलिए बहुत ध्यान से रिवीजन रेगुलर होना चाहिए ओके चलो खैर मुझे लगता है ये क्वेश्चन है आई थिंक ठीक है इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो देखो यहां पर कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं काफी सारा है चलिए पहले इतना शुरुआत करते हैं आपको करना क्या है कि जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इनका मॉलिकुलर फार्मूला बताना है कैसे बताना है एक मैं ट्राई कर देता हूं जैसे मान लो कि मुझे इस कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला बताना है तो अगर आप समझते हैं तो अब तो फटाफट -फड़ लिख दीजिए लेकिन अगर आपको कठिनाई है मुश्किल होती है तो इसको एक्सपैंड कर लो देखो इस कॉर्नर पर कार्बन है यहां कार्बन है यहां कार्बन है ये तो ऑक्सीजन है तो ये एक्चुअल में कंपाउंड है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओके ये वाला सी एच टू इससे दो हाइड्रोजन लगे होंगे क्योंकि चार बॉन्ड बनाने हैं इससे एक हाइड्रोजन लगा होगा क्योंकि चार बॉन्ड है और यहां भी एक हाइड्रोजन लगा होगा क्योंकि चार बॉन्ड होने चाहिए तो यह सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच डबल एक्चुअल में ये है अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में कार्बन एटम की संख्या तीन हाइड्रोजन एटम की संख्या जो है यहां पर कितनी है सॉरी हाइड्रोजन एटम की संख्या दो और एक तीन और एक चार तो हाइड्रोजन एटम की संख्या कितनी है फोर तो सी थ्री और एक ऑक्सीजन तो जरा एक प्रैक्टिस के लिए जस्ट फटाफट फड़। बहुत ज्यादा समय मत लेना ठीक है ये वाले क्वेश्चन है और जो नीचे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आप इसको पहले नोट कर लीजिए और इसके बाद देखिए ये दो क्वेश्चन यहां पर भी हैं तो पहले आप इसको कॉपी पर नोट करो फटाफट फड़। इसको जो है कॉपी पर फटाफट फड़ नोट करिए ठीक है और अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद ये दो क्वेश्चन यहां और है नीचे और अब आप शुरू हो जाइए जल्दी से और सभी के मॉलिकुलर फार्मूले आपके पास सॉल्व करने के लिए करीब करीब जो है वो दो मिनट दे देता हूं आपको मैं दो से तीन मिनट ले लो ठीक है इससे ज्यादा नहीं दो से तीन मिनट आप ले लीजिए टू टू थ्री मिनट्स ओके और उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखना एज ऑलवेज ठीक है क्योंकि मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं लेकिन आप दो से तीन मिनट इसको सॉल्व करने के बाद ही लिखिएगा तो पहले क्वेश्चन का आंसर है सी आप मैचिंग कर लो अगले वाले में तो आप पहचान ही रहे हो यारी सिक्स एच सिक्स बेंजिन फिर इसके बाद अगला वाला भी इनफैक्ट सी सिक्स एच सिक्स है बस अंतर यह है कि यह तुम्हारा केकुलेज बेंजीन है आगे चल के पढ़ा जाएगा ये बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले साहब ने एक्सप्लेन किया था ये आगे डिटेल में बताऊंगा आपको और जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो भी बेंजीन का ही है लेकिन ये डेवार से स्ट्रक्चर है डेवार डेवार से स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फाइन सी सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स अगला वाला अगर आप ट्राई करेंगे तो ये वाला भी आंसर शायद सी सिक्स एच सिक्स है इस कंपाउंड को हम लोग कहा करते हैं प्रिजमेन प्रिजमेन दिस कंपाउंड इज ध्यान रखना यहां पर ये कार्बन है ये कार्बन है ये कार्बन है ये है और ये है और ये है तीन तीन वाला पॉइंट कार्बन नहीं है ये कोई क्रॉस पॉइंट नहीं है अगर आप ध्यान दो तो ये ऐसे बनाया गया है मतलब तीन कार्बन ये है देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहां पर आपके पास अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आपके पास तीन कार्बन ये हैं और इसके बाद तीन ही कार्बन ये हैं ऐसे बनाया गया है क्लियर प्रेजमेन नेक्स्ट कंपाउंड है इसको अगर आप करें, तो सी टेन एच सिक्सटीन ओ आएगा काउंट आप कर लीजिए कार्बन हाइड्रोजन सब कुछ काउंट कर लो ये आएगा ये कैम्फर का फॉर्मूला है जिसको आप कपूर कहते हैं कैम्फर और इसके बाद लास्ट में एक क्वेश्चन और है दिस वन चलो इसको मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूं तो कार्बन है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह चेक कर लीजिए तो कार्बन एटम की संख्या ग्यारह तो सी ये जस्ट थोड़ा प्रैक्टिस के लिए है भाई कि आप ऐसे कर लोगे और हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो टू प्लस टू फोर टू प्लस टू फोर 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 प्लस फोर एट एंड एट प्लस आई थिंक चेक कर लीजिए कितने आएंगे भाई यहां पर दो आएंगे यहां दो आएंगे यहां भी दो आएंगे और यहां भी दो आएंगे फिर इसकी बात करें यहां एक आएगा यहां एक आएगा यहां एक आएगा यहां एक आएगा समझ रहे हो ना क्यों यहां एक एक आएगा क्योंकि इन सब जगहों पर तीन तीन बॉन्ड है और इन दोनों कार्बन पर दो दो आएगा तो अब आप चेक कर लीजिए टू प्लस टू प्लस टू ये हो गया सिक्स प्लस टू एट और उसका डबल तो सी एलेवन एच सिक्सटीन तो इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये फार्मूले बॉन्ड लाइन में होते हैं तो इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है वो प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूंगा साइक्लिक कंपाउंड्स का मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले तो आप ये थोड़ा सा समझिए कि हमारे साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा सा यहां पर स्पेस ले लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे जो साइक्लिक कंपाउंड हैं वो साइक्लिक कंपाउंड्स में जो रिंग्स बनाते हैं जो इनको भी हम कहते हैं तो ऐसा नहीं है, कि रिंग जो है सिर्फ कार्बन की तो सारे सारे लेकिन अगर आप मान लो ये वाला कंपाउंड लो तो इसमें दो जगह कार्बन है और एक जगह ऑक्सीजन है तो आगे चल के मैं डिफाइन कर लूंगा कि इन कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं और इन कंपाउंड्स को कंपाउंड्स कहते हैं होमोसाइक्लिक और हिट्रोसाइक्लिक अगर मैं अभी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में होमोसाइक्लिक या जिनको आप कह सकते हो कार्बोसाइक्लिक मतलब जिनका जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम से बना है तो उसमें बहुत सारे टाइप की कैटेगरी है वही आपके सामने देखो यहां लिखा हुआ है एक है जैसे मोनोसाइक्लिक मोनोसाइक्लिक का मतलब जिनमें एक ही रिंग है जैसे देखो यहां पर ये यह एक ही रिंग है आपको दिख रही है जो तीन का रिंग बना हुआ है ये एक ही रिंग है ना यहां भी एक ही रिंग है इवन जो बेंजीन है वो एक ही रिंग है तो इनको कहा जाता है मोनोसाइक्लिक और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए तीन तीन कार्बन से छोटा रिंग नहीं बना सकते आप लोग अच्छी तरह से समझ लो क्योंकि आगे इस पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे ओके तीन कार्बन से कम अगर है तो वो कंपाउंड रिंग नहीं बन सकता दो कार्बन का रिंग नहीं बनेगा यार दो कार्बन रख दिया कहां रिंग बनेगा कम से कम तीसरा चाहिए रिंग बनाने के लिए तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें कम से कम तीन कार्बन होगा और अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड है बाईसाइक्लिक अब जरा समझेगा ये बाई अब आपको यहां पर ना बाईसाइक्लिक दो जगह दिख रहा होगा ये भी बाईसाइक्लिक और ये भी बाईसाइक्लिक जनरली इसको बाईसाइक्लिक कहते हैं और इसको बाईसाइक्लो कहते हैं बाईसो और बाईसाइक्लिक में अंतर क्या है बाईसाइक्लिक का मतलब होता है नो कॉमन एटम मतलब जो दो रिंग तुमने बनाई उन दोनों रिंग्स में कोई कॉमन एटम नहीं है इसके एग्जाम्पल यहां ये ऊपर लिखे हुए हैं ध्यान दीजिएगा ये एग्जाम्पल जो है वो स्पायरो के हैं ठीक है थीके? ये एग्जाम्पल लिखे हैं बाईसाइक्लो में अगर तुम ध्यान दो तो ये भी एक अलग रिंग है ये अलग रिंग है और इनमें कोई कॉमन एटम नहीं है इस रिंग के ये अपने तीन कार्बन एटम इस रिंग के ये अपने तीन कार्बन एटम जिनको आपस में ज्वाइन किया गया और उनके बीच दे हैव नो कॉमन कार्बन एटम तो ऐसे कंपाउंड को कहेंगे और ऐसे कंपाउंड के लिए मिनिमम कार्बन चाहिए क्यों क्योंकि बाई है तो दो रिंग बनेगी और एक रिंग बनाने के लिए मिनिमम तीन कार्बन तो दो रिंग बनाने के लिए मिनिमम छे कार्बन मतलब छह से कम नहीं होंगे ज्यादा तो ऑब्वियसली तुम कितना भी ले सकते हो जैसे ये भी देखो बाई है इसमें एक रिंग पांच कार्बन की है और एक रिंग तीन कार्बन की है और दोनों के बीच कोई भी एटम कॉमन नहीं है सो दीज कंपाउंड्स और सच कंपाउंड्स आर नोन एज बाइसाइक्लिक कंपाउंड नेक्स्ट वन स्पायरो कंपाउंड स्पायरो कंपाउंड ध्यान देना इस टर्म पर स्पायरो स्पायरो कंपाउंड वो कंपाउंड हमारे होते हैं जिनमें समझेगा जिनमें मैं यहां लिख दे रहा हूं जिनमें दे हैव दे हैव वन कॉमन कॉर्नर मतलब उनमें एक कॉर्नर जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन कॉर्नर देखो यहां जैसे ये देखो तीन मेंबर का रिंग है और इधर भी ये तीन मेंबर का रिंग है और बीच में ये वाला कॉमन है जैसे यहां पर देखो ये तीन मेंबर का रिंग है और इधर ये पांच मेंबर का रिंग है और दोनों में कॉमन ये वाला है तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो रिंग हो और एक कॉमन एटम हो इनको कहते हैं स्पायरो और इसको बनाने के लिए मिनिमम पांच चाहिए अगर आप ध्यान दो तो ये वाले टाइप का बनाने के लिए बाइसाइक्लो मिनिमम छ चाहिए लेकिन यहां पांच ही चाहिए क्यों पांच ही चाहिए समझ रहे हो ना छोटी सी बात है क्यों पांच चाहिए इसलिए क्योंकि एक कार्बन कॉमन हो गया तो फिर से रिवाइज कर देता हूं मोनोसाइक्लिक के लिए कम से कम तीन कार्बन एटम बाईसाइक्लिक के लिए कम से कम छे कार्बन एटम जिनमें कोई कॉमन एटम नहीं होता है स्पायरो में एक कॉमन होता है इसलिए मिनिमम पांच से काम चल जाएगा मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं चाहूंगा कि स्पायरो के बारे में आप जो है थोड़ा और सीखिए हमारे जो स्पायरो कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कॉमन कॉर्नर होता है इनको लिखने का भी ना एक पैटर्न है हालांकि वो मैं आई में आपको सिखाऊंगा लेकिन एक बेसिक जानकारी दे देता हूं जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक स्पायरो कंपाउंड है अब तुम ध्यान देना यह जो कॉमन एटम है इस कॉमन एटम को अगर छोड़ दें तो इधर दो कार्बन है और उस वाले रिंग में अगर देखें तो कॉमन एटम छोड़ के चार कार्बन है इस कंपाउंड में ये जो स्पायरो कंपाउंड है इसमें इस कॉमन एटम को छोड़ दें तो लेफ्ट में जो रिंग है उसमें दो कार्बन बचे और राइट वाले रिंग में चार कार्बन बचे तो इसका नाम ऐसे लिखा जाता है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्पायरो और इस संख्या को बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर का मतलब कॉमन एटम के एक तरफ दो और एक तरफ चार और ध्यान रहे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी संख्या सो दिस कंपाउंड इज स्पायरो 24 जैसे अगर ये वाला बोला जाए ये वाले की अगर बात करें तो ये क्या बोला जाएगा सोचो जरा बोलो फटाफट आंसर बोलिए क्या आंसर आएगा तो आ जाएगा स्पायरो क्योंकि इस कॉमन एटम के इधर भी दो हैं और इधर भी दो हैं अच्छा अगर आपसे कह दिया जाए अगर आपसे कह दिया जाए कि जरा स्पायरो स्पाइरो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ध्यान रखना इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना हमेशा गड़बड़ मत करना ठीक है तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि सब स्पाइरो जो है

एक तरफ है एक दो तीन और चार ओके और एक तरफ है वन टू तो, थ्री फोर एंड फाइव तो अगर आप समझ गए हो तो इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं स्पायरो नेक्स्ट कैटेगरी अच्छा स्पायरो में क्या पॉइंट था स्पायरो का पॉइंट था कि दे हैव दे हैव वन कॉमन कॉर्नर मतलब दोनों रिंग्स के बीच में एक कार्बन जो है या एक एटम कॉमन रहेगा जरूरी नहीं है कि वो कार्बन हो कोई भी हो सकता है चूंकि फिलहाल हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार कार्बन की बात कर रहा हूं तो अगर एक कार्बन एटम कॉमन है तो होमो सॉरी स्पायरो कंपाउंड और अगर दो कॉमन है तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं बाई साइक्लो कंफ्यूज मत होना पीछे भी बाई साइक्लो आया है यहां भी बाई साइक्लो आ रहा है लेकिन इन दोनों में अंतर है देखो जरा ध्यान दो अच्छा एक चीज और बहुत केयरफुली भाई ठीक है मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि सिंपल चीजें बता रहा हूँ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट कंफ्यूज मत होना इसको बहुत जरूरी है हमारे लिएकलो और ब्रिस्ड बाई साइकिलो में सबसे पहले बात तो यह समझ लें कि इन दोनों के लिए एक कॉमन चीज है टू कॉमन कॉर्नर दो कॉमन कॉर्नर होते हैं और ये जो दो कॉमन कॉर्नर होते हैं इन्हीं को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोलते हैं ब्रिज हेड एटम क्या बोलते हैं उनको ब्रिज हेड एटम जैसे अगर आप इस वाले रिंग में देखिए तो इस रिंग में दो कॉमन कार्बन है कौन कौन सा कार्बन कॉमन है ये वाला और ये वाला अगर आप इसकी बात करो तो यहां भी आप देख लो ये दो रिंग है और इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कॉमन है अगर आप तीसरा वाला देखो जो वहां बना हुआ है तो इस तीसरे वाले में भी दो रिंग है लेफ्ट और राइट की और दो कार्बन कॉमन है आपको मुझे डिफरेंस बताना है बाई साइक्लो और ब्रिज्ड बाई साइक्लो में क्या अंतर है किसमें किसमें बाई साइक्लो और ब्रिज्ड बाई साइक्लो तो पहले आप बाई साइक्लो समझिए सबसे पहले तो यह जान लो कि इन एटम को ही हम हेड एटम कहते हैं इन एटम को क्या बोला जाता है ब्रिज ब्रिज हेड एटम समझो बात को ब्रिज हेड एटम क्यों ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो दोनों रिंग्स के बीच सेतु का काम करते हैं दोनों रिंग्स के बीच उन्हीं की मदद से हम जोड़ लगाते हैं ज्वाइन करते हैं तो वो ब्रिजिंग करते हैं ब्रिज हेड एटम पहचानने का एक छोटा सा लेमन लैंग्वेज तरीका अगर बताऊं तो किसी भी हेड एटम पर अगर आप खड़े हो जाएं जैसे इस ब्रिज हेड एटम पर आप खड़े हो जाइए और दौड़ लगाइए तो दौड़ लगाने के तीन रास्ते हैं ब्रिज हेड एटम पहचानने का तरीका है कि आप ब्रिज हेड एटम पर खड़े हो जाइए और वहां से दौड़ लगाइए तो दौड़ लगाने के आपको तीन रास्ते मिलेंगे और तीनों रास्ते ना ले जाकर आपको एक ही पॉइंट पर पहुंचा देंगे और अगर आप यहां खड़े हो जाइए और दौड़ लगाइए तो वापस आप उसी ब्रिज हेड पर पहुंच जाएंगे तो ब्रिज हेड एक ऐसा एटम है जिससे दौड़ने के तीन रास्ते हैं जिससे तीन रास्ते निकलते हैं और तीनों में से किसी से भी चलो तो वो आपको नेक्स्ट ब्रिज हेड अगले ब्रिज हेड पर या एक ही जगह जाके मिला देंगे जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साहब जरा बताओ कि ये वाला कंपाउंड जो है इस कंपाउंड में ये वाला एटम ब्रिज हेड है कि नहीं है लेट से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड में ये वाला एटम जो है वो ब्रिज हेड है कि नहीं है बताइए जरा सोच के तो होगा ये ब्रिज हेड सोचिए है ब्रिज हेड क्या नहीं है क्यों नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि इससे अगर आप खड़े हो जाएं इधर चले इधर चले और इधर चले तो क्या तीनों से चलने पर आप एक ही जगह पहुंच जाएंगे शायद नहीं क्योंकि इन दो रास्तों से तो आप यहां आ जाओगे लेकिन इस रास्ते से आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे सो बी केयरफुल ब्रिज हेड वो पोजीशन है जहां से तीन रास्ते बाहर निकलेंगे और वो एक ही जगह मिला देंगे अच्छा एक चीज और बताओ जरा तुम लोग अगर समझ रहे हो ये बताओ अगर इसमें मैं इस रास्ते से चलूं इस रास्ते से चलूं इस रास्ते से चलूं तो अगले ब्रिज हेड तक पहुंचने में मुझे रास्ते में, में। लो मेरे पास ये एक आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड है ठीक और यहां पर आप जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हो कि ये ब्रिज हेड है और ये ब्रिज हेड है तो जब इस रास्ते से चले और यहां तक आए तो रास्ते में कितने कार्बन मिले दो इस रास्ते से चले और यहां तक आए तो रास्ते में कितने कार्बन मिले दो और इस रास्ते से आए तो कितने कार्बन मिले जीरो तो यह कहा जाएगा कि यह है ये है बाई साइक्लो टू, 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 जीरो तीन रास्ते हैं ना तो तीनों रास्तों में मिलने वाले कार्बन एटम को डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस ऑर्डर में कंफ्यूज मत होना स्पाइरो में क्या था इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां से यहां तक इस रास्ते से आओगे दो कार्बन इस रास्ते से आओगे दो यहां आओगे जीरो तो बाईसाइक्लो टू टू जीरो मान लो यहां पर एक और मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर दू समझेगा जैसे मान लो आपके पास ये स्थिति हो एक रास्ते से ये हो गया एक से ये हो गया एक से ये हो गया अब अगर आप यहां ध्यान दो तो यहां पर तुम्हारे ब्रिजहेड ये और ये है इस रास्ते से आओगे तो शायद दो कार्बन इस रास्ते से आओगे तो बीच में एक कार्बन बीच वाले कार्बन ब्रिज हेड को नहीं काउंट करना है और इस रास्ते से आओगे तो जीरो तो इस कंपाउंड को इस संख्या को घटते क्रम में अगर लिखें तो क्या लिखोगे बाई साइक्लो टू वन जीरो और यहीं पर यहां पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाईसाइक्लो एंड ब्रिज्ड बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो और ब्रिस्ड बाईसाइक्लो में बस अंतर यह है कि बायसाइक्लो में एक रास्ते में हमेशा जीरो कार्बन होते हैं लेकिन ब्रिस्ड बाईसाइक्लो में किसी भी रास्ते में जीरो नहीं आएगा अच्छे से सुन लें और समझ लें बाईसाइक्लो कंपाउंड में एक रास्ते में जीरो कार्बन होगा और ब्रिस्ड बाईसाइक्लो में किसी रास्ते में जीरो नहीं होगा देखो इसमें देखो यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक और ये दोनों ब्रिज हेड तो इसमें तुम तीनों में से किसी भी रास्ते से चलोगे कितना कार्बन मिलेगा one, one, one. तो इस कंपाउंड को जब नाम लिखोगे, वैसे नाम लिखोगे लिखना एक्चुअल में में आगे सिखाऊंगा आईयूपीएसी नेम में। लेकिन फिलहाल एक शॉर्ट मेथड तो इसको लिखोगे बाई साइक्लो वन 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 क्या लिखोगे बाईसाइक्लो वन 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 जैसे सेकेंड क्वेश्चन देखो यहां पर ये वाला और ये वाला ब्रिज हेड है इस रास्ते से आओगे तो एक यहां पर दो और तीन कार्बन मिलेंगे इस रास्ते से आओगे तो एक और ये एक दो मिलेंगे इस रास्ते से आओगे तो एक मिलेगा तो अगर मैं इसका नाम लिखने की कोशिश करूं तो इसका नाम क्या आएगा बाईसाइक्लो थ्री टू वन तो अगर आप लोगों को बात समझ आ गई हो तो बाईसाइक्लो और ब्रिस्ड बाईसाइक्लो में डिफरेंस ये है कि जैसे ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है ये सारे के सारे कंपाउंड जो मैंने यहां लिखे हैं कैसे बाइसाइक्लो अगर इसी में मैं एक ब्रिस्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड ड्रॉ कर दू बलो तो ब्रिस्ड बाई की क्या खास बात है कि किसी भी रास्ते में जीरो कार्बन नहीं होता है ओके जैसे ये है मान लो और बाइसाइक्लो में एक रास्ते में जीरो ये दो हेड हो गए इससे इधर से आओगे तो रास्ते में तीन कार्बन है इधर आओगे दो कार्बन है इधर आओगे एक कार्बन है तो इसको जब लिखा जाएगा तो बाई साइक्लो थ्री टू वन हां यह बात अलग है कि यहां संख्या लिखी जाती हो, डिक्रीजिंग में होती है हमेशा ये जो संख्या यहां लिखी जाती है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है इस बात का ख्याल रखिएगा ओके ये संख्या हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट बाई साइक्लो बताएं, कौन सा कंपाउंड है और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ब्रिज बाइसाइक्लो कौन सा है जरा फटाफट दिमाग लगाओ और मुझे आंसर दे दो सबसे छोटा बाईसाइक्लो कंपाउंड और सबसे छोटा ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड अगर आपसे यह पूछ लिया जाए तो सबसे छोटा बाईसाइक्लो इस बात का ख्याल रखो कि दो तो कार्बन ब्रिजहेड हो जाएंगे बाईसाइक्लो में एक रास्ते में जीरो डाल सकते हो क्योंकि बाईसाइक्लो में एक रास्ते में जीरो होता है बाकी दोनों रास्तों में कम से कम एक तो डालोगे और चूंकि स्मॉलेस्ट बनाना है तो बाकी के दोनों रास्तों में एक एक डाल दो तो वन वन जीरो सबसे छोटा आपका बाईसाइक्लो है जिसमें कितने कार्बन एटम है चार कार्बन तो चार कार्बन का सबसे छोटा बाईसाइक्लो और अगर ब्रिस्ड बाईसाइक्लो कहें तो ब्रिस्ड बाईसाइक्लो में चूंकि किसी रास्ते में जीरो नहीं है तो दो तो हेड हो गए और बाकी तीनों रास्तों में तुम्हें कम से कम एक एक तो डालना ही पड़ेगा तो सबसे छोटा ब्रिज बाईसाइक्लो वन 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 और जिसमें मिनिमम पांच कार्बन चाहिए कितने चाहिए कम से कम पांच कार्बन एक बात और बोलता चलू तुम लोगों को कंफ्यूज मत होना कि कई बार ना हम बाइसाइक्लो और ब्रिस्ड बाइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है उनको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक ही कंपाउंड को कई तरह से दिखा सकते हैं जैसे मान लो समझो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है यहां पर लेट से यह वाला कंपाउंड ऐसे है कुछ सुनेगा से, ऐसे है. तो आपको दिख रहा होगा कि यहां पर दो ब्रिज हेड है एक रास्ते में दो इस रास्ते में दो इस रास्ते में एक इसी कंपाउंड को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो ये दोनों सेम कंपाउंड है दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें भी देखो दो ब्रिजेड है जैसे कि यहां पर दो ब्रिजेड थे इसमें भी इस रास्ते में दो इस रास्ते में दो इस रास्ते में एक और यहां भी ऐसे था तो ये दोनों कंपाउंड सेम और इवन कई बार तो ऐसे ड्रॉ किया जाता है ध्यान दो, कई बार ऐसा रहता है जैसे ये दो मान लेते हैं ब्रिजेड है। इसके इस रास्ते में दो कार्बन भाई दो कार्बन चाहिए ना तो दो मैंने बना दिए एक और रास्ते में दो कार्बन समझेगा ये दोनों आपके हेड हो गए ठीक है इसके इस रास्ते में दो कार्बन इसमें दो कार्बन और एक रास्ते में एक कार्बन अब वो कैसे बनाए भाई उसको तो तुमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ना कि इसको यहां से उठाना पड़ेगा और यहां से उठाना पड़ेगा ऐसे जोड़ना पड़ेगा बात समझ रहे हो भाई एक बॉन्ड यहां से चलेगा एक बॉन्ड यहां से चलेगा और ऐसे आके एक कार्बन ये जुड़ेगा तो इसको ऐसे तो दिखा नहीं सकता मैं बोर्ड पे तो इसका प्रोजेक्शन अगर प्लेन पर लिया जाए तो ये ऐसे बना दिया जाता है तो यहां पर एक कार्बन इस रास्ते में हो गया अब कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने लगते हैं कि ये वाली पोजीशन पर कार्बन है क्या तो आप खुद ही सोच के बताओ अभी तो समझाया कि यहां से बॉन्ड उठा यहां से उठा और ऐसे जुड़ा है जिसका प्रोजेक्शन प्लेन पर लिया गया है तो आपको क्या लगता है कि यह कार्बन एटम है नहीं बिल्कुल नहीं तो वो कार्बन एटम नहीं है वो जस्ट प्रोजेक्शन लिया है इसलिए ऐसा फील होगा तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से ना मल्टीपल तरीके हो सकते हैं मतलब एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के तो इसको नोट करते रहिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके ठीक है ओके okay, तो बहुत सारी मैंने आपको सिंपल सिंपल बात बताई एक चीज और इंट्रोड्यूस कर देता हूं ध्यान रखिएगा ये जो आपके सामने टर्म लिखा हुआ है आ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसको लेकर आगे क्या हमारा पूरा पूरा करीब दो क्लास तक डिस्कशन होगा मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को लेकर हम करीब करीब दो वीडियोज या दो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं लेकिन अभी जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि साहब डीबी होता क्या है पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं लेकिन बड़ा ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है हमारे लिए आ, मैं fact, आपको ये भी बता दूं कि क्यों इसको पढ़ते हैं जैसे कई बार आप देखते हो ना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि रिएक्शन है है, ओजोन और जिंक से करा दिया ये और ये बन गया और ऐसे कुछ दिया रहता है और कहता है बताओ इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को डिस्कस करनी और समझनी है कि एक ही मॉलिकुलर फार्मूले से हम कई सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसीलिए तो आइसोमेरिज्म आता है ना कि एक ही मॉलिकुलर फार्मूले से कई सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो किसी गिवन कंपाउंड का अगर मॉलिकुलर फार्मूला गिवन है किसी कंपाउंड का तो उससे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है तो ये सारा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डीबी की मदद से करेंगे कैसे करेंगे ये अगले वीडियो में देखिएगा सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं इसका डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन की है क्या देखिए अगर मान लिया जाए ए जो है वो कार्बन एटम की संख्या है बी जो है वो ऐसे एटम है जो मोनोवैलेंट है मतलब जिनकी जो वैलेंसी है वो एक है जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन सोडियम एटम और जो C है वो नंबर ऑफ एटम, एटम मतलब जिनकी बी माइनस सी बाई टू ए प्लस वन डीबी का फॉर्मूला है ए कार्बन एटम प्लस वन माइनस बी मोनो वालेंट एटम सी ट्राइ वॉलेंट एटम डिवाइडेड बाई थ्री

माइनस सिक्स माइनस जीरो बाई टू सो कम्स आउट टू बी सेवन माइनस थ्री दैट इज फोर मतलब आपका बेंजीन का डीबी चार है अब है ये होता क्या है तो देखो नीचे लिखा हुआ ये क्या होता है ये क्या होता है देखो जरा ध्यान से लिखा हुआ है कि जो डीबी है वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं या नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं या पाई बॉन्ड और रिंग्स का सम होता है मतलब किसी कंपाउंड का जितना डीबी होगा उस कंपाउंड में या तो उतने बॉन्ड होंगे या उतनी रिंग्स होंगी या रिंग और बॉन्ड की संख्या का सम उतना होगा जैसे अगर तुम बेंजीन में देखो तो बेंजीन में जो रिंग्स हैं उन रिंग्स की संख्या कितनी है वन और बॉन्ड रिंग इसके अंदर कितने हैं तीन टोटल कितना है चार मतलब किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्लस रिंग्स मिलाकर डीबी के बराबर होता है फार्मूला कुछ एक टाइप के कंपाउंड्स पर अप्लाई भी नहीं होता है खास करके सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स लेकिन वो चर्चा हम आगे डिस्कशन में करेंगे जब और डिटेल में चलेंगे फिलहाल आप उसकी टेंशन मत लीजिए आपके सिलेबस में जो कंपाउंड है उन सब पर बेधड़क अप्लाई करिए कोई टेंशन नहीं हमेशा सही आएगा निश्चिंत रहिए तो डीबी किसी कंपाउंड का बताता है कि साहब उस कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं या उसमें कितनी रिंग्स हैं या रिंग्स और पाई बॉन्ड्स का जो सम है वो टोटल कितना है जैसे बेंजीन में तुमने देखा कि डीबी चार आया इसका मतलब उसके अंदर रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड का सम कितना है चार और तुमको ना थोड़ा सा और अगर मैं मतलब इसको थोड़ा और एलोबोरेट कर देता हूं जैसे ऐसा ये हो कैसे रहा है मतलब ये फार्मूला कहां से सेट से किया गया तो ध्यान दीजिएगा इस फार्मूले को जो सेट किया गया है उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो जरा देखिएगा जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं कि जो तुम्हारा एलकेन होता है जो तुम्हारा एलकेन है एलकेन का फार्मूला क्या है CnH2n+2 अगर इसका डीबी निकाला जाए तो कार्बन एटम n+1 आ गया माइनस मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन 2n+2 माइनस c c की जगह 0 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करो कितना आया 0 इसका मतलब तुम्हारा जो एलकेन है उसका डीबी कितना है 0 मतलब एलकेन के अंदर कोई पाई या रिंग नहीं होगा तुम भी जानते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं होता अप्लाई करो डीवी का नंबर तो ऑफ कार्बन एटम एन प्लस मोनो वालेंट हाइड्रोजन टू एन माइनस क्या है वन। और आपको पता है एल्किन के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है तो कहने का मतलब यह है कि इस बात से भी ये मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाह रहा था ऐसा नहीं कि कोई बहुत भारी या बहुत आ, कोई स्पेशल चीज मैंने बता दी है हाँ लेकिन ये फार्मूला इन सब पर भी अगर तुम अप्लाई कर लोगे ना तो उसमें भी उतना ही डीबी आ रहा है जितने या तो उसके अंदर पाई बॉन्ड्स हैं या रिंग्स हैं जैसे इसको सॉल्व करोगे तो टू आ जाएगा तो आपका जो डीबी है वो किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ रिंग्स को या पाई बॉन्ड्स को या उनके सम को एक्सप्लेन करता है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आगे की क्लास में मैं बताऊंगा आज की क्लास में उसका एप्लीकेशन नहीं बता रहा हूं ये जरा जल्दी से सॉल्व करो ये दो कुछ कंपाउंड आपके सामने लिखे हुए हैं जरा जल्दी से मुझे बताओ कि इनमें जो है इनका डी कितना है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है तो थर्टी फोर्टी सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट फड़ चलो सॉल्व करो इसमें पहला कंपाउंड जो है बड़ा स्पेशल कंपाउंड है जिसको क्यूबेन कहते हैं इनफैक्ट क्यूब की तरह दिखता है इसको क्यूबेन कहते हैं और वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फिर देखेगा तो इसका फार्मूला आप चेक करो सी एट एच एट है भाई हर एक कार्बन टोटल आठ ही कार्बन है ध्यान रखिएगा आठ कॉर्नर जो है बस वही कार्बन है और हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है क्योंकि हर कार्बन थ्री डिग्री है तीन तरफ कार्बन है उसके तो एक एक हाइड्रोजन अब फार्मूला लगा दो तो फार्मूला लगा देंगे तो डीबी बराबर आएगा कार्बन प्लस वन माइनस मोनो वालेंट एट माइनस जीरो बाई टू डीबी so, तो कितना आ गया फाइव या सी सेवन एच नाइन एनओ तो इसका डीबी जस्ट फॉर्मूले का एप्लीकेशन से सिखा रहा हूं तो कार्बन सेवन प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन है मोनोवैलेंट कौन है हाइड्रोजन नौ no. और कौन है नाइट्रोजन एक डिवाइडेड बाई टू ऑक्सीजन नहीं आएगा कहीं भी सो एट माइनस फोर तो इसका डीबी आ गया फोर यही आएगा ना शायद सेवन प्लस वन एट माइनस एट बाई टू दैट इज फोर सी टू एच फोर ओ अगर इसका डीबी कैलकुलेट करें तो कार्बन एटम है दो तो टू प्लस वन माइनस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं लेना है क्योंकि ऑक्सीजन बाईव है और है तो इसको सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर भी वन कई बार हमारे दिमाग में आ सकता है कि साहब मान लो अगर ऐसा हुआ कभी कि डीबी नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे तो पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या कभी डीबी नेगेटिव हो सकता है क्या डीबी कभी नेगेटिव हो सकता है तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि डीबी निगेटिव आ जाए तो ध्यान रखिएगा वो क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा क्वार्टरनरी का मतलब चार डिग्री मतलब ऐसा एक सॉल्ट होगा जिसमें नाइट्रोजन पर चार बॉन्ड लगे होंगे ठीक है नाइट्रोजन पर चार बॉन्ड और ऐसे कुछ सॉल्ट आएगा प्लस और साथ में कोई एक आयन हैलाइड या कोई भी एक्स माइनस तो अगर कभी डीबी नेगेटिव आ जाए तो ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि तुम्हारे पास अमोनियम सॉल्ट है मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे मान लो नाइट्रोजन पर चार मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं जो लोग क्लास ट्वेल्थ पास हो चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लोग शायद समझ सकते हैं कि ये हमारे हाफमेन एलिमिनेशन रियाक्शन ईवन सीबी एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर पासिंग थ्रू कॉन्जुगेट बेस वहां पर इस तरह के अमोनियम सॉल्ट आपको देखेंगे वही लोग समझ सकते हो जो ट्वेल्थ पास हो ठीक है तो अगर इस सोल्ट uh, में मैं डीबी कैलकुलेशन करूं तो तुम देख सकते हो कार्बन एटम चार है सो फोर प्लस वन माइनस मोनोवाल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम बारह है और आयोडीन भी है तो हो गया तेरह थर्टीन बारह हाइड्रोजन एक आयोडीन सारे मोनोवाल और माइनस है नाइट्रोजन जो एक है डिवाइडेड बाई टू आप देख सकते हो कि फाइव माइनस सिक्स तो आपका आंसर आ गया माइनस वन तो ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन जो दिया है उसमें कभी अगर डीबी नेगेटिव आ जाए तो ये क्लियर होगा कि कंपाउंड अमोनियम सॉल्ट है सो so, जस्ट ये DB का फार्मूला है जो मैंने सिखाया आपको बाकी एक्चुअल एप्लीकेशन हम लोग इसकी अगली क्लास में जब बढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे फाइन ओके okay. एक और डेफिनेशन बताते हुए एक दो और डेफिनेशन बताते हुए इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा और अगले वीडियो में जो है मैं पहुंचूंगा डीवी के एक्चुअल एप्लीकेशन पर तो एक दो छोटी छोटी बातें और समझ लीजिएगा एक और दे दूं। क्या होते हैं तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोई एक अकेला एटम जैसे क्लोरीन भी एक फंक्शनल ग्रुप है या एटम्स का ग्रुप जैसे कार्बोक्सिल एसिड एक अकेला एटम भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और एटम्स या परमाणुओं का जो समूह है मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स परमाणुओं का समूह वो भी एक क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप हो सकता है तो क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कहते हैं इसको अगर परिभाषित करें डिफाइन करें सो वी कैन से दैट द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच डिसाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्निंग कंपाउंड आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स बहुत सारे हैं नेक्स्ट वीडियो में जब चलेंगे तो इन पर भी चर्चा करेंगे कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है फिलहाल यहां एक दो एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है सल्फोनिक एसिड है क्लोराइड है और भी बहुत सारे एक बात का ख्याल रखते हुए एक बात का ख्याल रखते हुए कि तुम्हारे पास जैसे क्लोराइड है अल्कोहल है अमाइन है सल्फोनिक एसिड है ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके पास खुद कोई कार्बन एटम नहीं होता है नो कार्बन एटम हाँ लेकिन जिससे जुड़ेंगे वो कार्बन होगा भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करोगे तो ऑब्वियसली ये जिससे जुड़ेंगे उसके पास यार कार्बन होगा लेकिन इनका अपना कोई कार्बन नहीं है और दूसरे फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो इवन एलकीन और एलकाइन ले लो तो ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें खुद का अपना कार्बन एटम है इसका क्या इफेक्ट आएगा वो आई यू पी नेम में हम आगे देखेंगे लेकिन एक छोटा सा इफेक्ट जो अभी बताना चाहूंगा एक छोटा सा इफेक्ट जो आप लोगों को अभी बताना चाहूंगा वो ये है ऐसा कुछ है कि आपके पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं एक जिनमें कार्बन है और एक जिन में कार्बन नहीं है तो इसका एक छोटा सा इफेक्ट जरा समझ लीजिएगा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार मतलब सही बता रहा हूं कि बड़ा गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स आगे चलकर मतलब है बड़ी छोटी चीज लेकिन मैं बताऊं मैं इस पर फाइव स्टार लगाने वाला हूं बहुत छोटी चीज है बहुत आसान भी है लेकिन फाइव स्टार कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूं इसको मैं क्योंकि बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ पोजिशन डिफाइन करते हैं अल्फा बीट वैसे केमिस्ट्री में आपको बताऊं कि ये जो पोजिशन चलती है इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा वो ये है अल्फा पोजिशन फिर बीटा पोजिशन गामा पोजिशन डेल्टा पोजिशन थीटा पोजिशन फाइव पोजिशन बस इतनी जरूरत पड़ेगी जैसे अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है मान लो अल्कोहल जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है ओ OH, तो चूंकि अल्कोहल का अपना कोई कार्बन खुद तो होता नहीं है तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन कहलाता है समझेगा अल्कोहल के पास अपना कोई कार्बन नहीं है तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है अल्फा से जो भी जुड़े हैं वो बीटा हैं दोनों तरफ अल्फा से जो भी जुड़े हैं दो तरफ तीन तरफ सब बीटा हैं बीटा से जुड़ा गामा है गामा से जुड़ा डेल्टा है अगर इसके आगे और होता अगर इसके आगे और होता तो हम उसको कहते डेल्टा के बाद थीटा कार्बन है फाइव कार्बन है ध्यान रखिएगा यहां पर ओएच OH का अपना कोई कार्बन नहीं था तो जिससे जुड़ा है वो अल्फा है लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसके पास अपना कार्बन है जैसे मान लो ये कीटोन है आपके पास या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो चूंकि इनका ये वाला कार्बन पार्ट फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे मैंने क्या बोला है मैंने कहा है वो फंक्शनल ग्रुप जिनके पास अपना खुद का कार्बन है तो उनके उस कार्बन को हम बिल्कुल भी अल्फा कार्बन नहीं कहेंगे लेकिन वो जिससे जुड़े हैं वो अल्फा हैं या उसके बगल वाले बीटा हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई एल्किन है सी डबल बॉन्ड सी और इधर एक कार्बन है यहां है यहां और यहां है तो एल्कीन में चूंकि ये दो कार्बन तो खुद एल्कीन बनाते हैं तो इनको अल्फा या बीटा कुछ नहीं कहा जाएगा दोबारा समझा रहा हूं अल्कोहल के पास अपना कोई कार्बन नहीं तो जिससे जुड़ा है डायरेक्टली वो अल्फा है उसके बाद बीटा गामा डेल्टा थीटा ही आएगा फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन है तो उनके खुद के कार्बन को अल्फा नहीं कहेंगे बट उनके जस्ट बगल वाले अल्फा फिर बीटा गामा एंड सोन और एल्किन एल्काइन में जिस कार्बन से एल्किन एल्काइन बनता है वो अल्फा बीटा नहीं है लेकिन उनके दोनों तरफ बिल्कुल जो पड़ोसी हैं वो अल्फा हैं इधर का पड़ोसी भी अल्फा है और जाएंगे तो बीटा है तो ये है बड़ी छोटी सी बात लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मैं देखता हूं और आगे इस्तेमाल बहुत होता है वो कई बार कहेगा कि बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं या उसकी मदद से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ कंबशन या एल्डोल कंडेंसेशन जैसी रिएक्शन हर जगह ये टर्म आते रहते हैं तो आपको ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ना ये आना चाहिए मैं चाहूंगा आप ना एक क्वेश्चन कर डालो जैसे अगर मान लो एक काम ये करो कि यहां पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन में आपको करना यह है कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स एंड बीटा हाइड्रोजन एटम्स अच्छा यहां भी समझ लेना अल्फा हाइड्रोजन एटम मतलब अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन मतलब बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन तो चलो कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूं चाहे वो मेरे पास यहां पर एक एल्कीन हो इसकी बात करूं मैं ओके या फिर ये वाला एल्कीन हो चलो फटाफट जरा ट्राई कर डालो अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एटम्स की आपको संख्या बतानी है शुरू हो जाइए और वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद ही मुझे आप सॉल्यूशन बताइए और देखिएगा मेरा सॉल्यूशन ठीक है वीडियो पॉज करके सॉल्व करिएगा तो पहले क्वेश्चन में ये कार्बन और ये कार्बन अल्फा नहीं है लेकिन इसके पड़ोस में ये भी, ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है ये भी अल्फा है लेकिन ये क्या है बीटा तो अगर आप लोग काउंट करें तो अल्फा हाइड्रोजन आएगा यहां पे तीन और ये तीन छ और ये तीन नौ और यहां दो ग्यारह ग्यारह हाइड्रोजन अल्फा हैं और बीटा हाइड्रोजन आप चेक करिए तो शायद वहां तीन जुड़े होंगे अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो अल्फा है नहीं इन्हीं के बीच पाई बॉन्ड है तो फिर इनके जस्ट बगल में ये अल्फा है ये अल्फा है और ये भी इनके बगल में है अल्फा है इस अल्फा से जुड़ा यहां बीटा और ये बीटा तो अल्फा हाइड्रोजन अगर काउंट करें तो थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन और अगर बीटा हाइड्रोजन काउंट करें तो टू प्लस टू फोर कि आपको ये समझ आ रहा है है और बड़ी सिंपल सी चीज बट अच्छे से समझें स्कोर अच्छे से करें अगला क्वेश्चन ये दो कार्बन अल्फा नहीं है क्योंकि इन्हीं के बीच पाई बॉन्ड है तो इसके पड़ोस में यहां पर ये अल्फा है और इसके पड़ोस में ये अल्फा है बीटा की बात करें तो इस अल्फा से देखो ये बीटा जुड़ा है और ये बीटा जुड़ा है और इस अल्फा से यहां बीटा है और यहां बीटा है अब आप लोग खुद से काउंट कर लो मेरे हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन दो हैं और बीटा हाइड्रोजन एटम की संख्या शायद टेन है। आप चेक कर लीजिएगा OH कार्बन नहीं होता है ओ OH के पास अपना कोई कार्बन नहीं है तो जिससे भी जुड़ा है वो अल्फा है अल्फा के दोनों तरफ वाला बीटा है बीटा के दोनों तरफ वाला गामा है obviously. और ये वाला ऑब्वियसली डेल्टा है ये वाला आपका क्या है डेल्टा है खैर उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं अच्छा एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा अगर आप लोग थोड़ा और समझें मान लो अगर ऐसा होता कि साहब ये ऐसे जुड़ा होता लेट से मान लेते हैं कि ये वाला बॉन्ड ऐसे जुड़ा होता तो उस कंडीशन में जो नीचे वाली पोजिशन है ना वो आपकी बीटा हो जाती क्यों बीटा हो जाती क्योंकि अल्फा से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और अब अगर आप देखें तो अल्फा हाइड्रोजन शायद एक भी नहीं है क्योंकि चारों तरफ वहां पर बॉन्ड कार्बन से जुड़े हुए हैं और बीटा हाइड्रोजन एटम की संख्या दो यहां दो यहां चार एक नीचे है टोटल पांच है तो ओएच OH के पास चूंकि खुद का कोई कार्बन नहीं है तो जिससे जुड़ा है वो अल्फा यहां पर कीटोन का चूंकि खुद का कार्बन है तो ये अल्फा नहीं है इससे जुड़े वाले ये अल्फा है और ये बीटा तो अल्फा हाइड्रोजन यहां चेक करो फाइव है और बीटा हाइड्रोजन थ्री है लास्ट क्वेश्चन इसमें देखो, ये अगर आप तो हाइड्रोजन एटम दो और बीटा हाइड्रोजन एटम तीन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब इसलिए मैंने फाइव स्टार कॉन्सेप्ट बोला है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर तो आज की क्लास में मैंने ना

फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी सेकेंड मिनट हमने क्लास की बहुत सारी बेसिक चीजें आ गई हैं और यही एक स्पेशल बात है के लिए कि इसमें छोटे-छोटे हैं -छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं। तो इसलिए मैं कि रिवीजन मस्ट है रेगुलरली वीडियोस को या तो देखें या नोट्स बनाएं क्योंकि videos तो आप बार बार नहीं देख सकते वीडियो तो आप एक बार या बहुत ज्यादा किसी किसी वीडियो को आप दो बार देख सकते हो क्योंकि एक वीडियो को देखना उसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करना या बैक करना और देखना बहुत टाइम करेगा आपका तो बेहतर है कि वीडियो देखते हुए नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं ताकि रिवीजन के समय आपके जो नोट्स हैं वो आपका काम करें आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े स्क्रीन टाइम भी आपको घटाना है क्योंकि मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा जो है बार वीडियो देखें क्योंकि उसकी जो आपकी आंखों पर जो स्ट्रेन पड़ेगा वो भी ठीक नहीं है एक बार देखा बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी किसी वीडियो की तो उसको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड या बैक करके हमने उसको देख लिया लेकिन नोट्स अच्छे से बनाएं, से रिवाइज बढ़िया करें पर देखते हैं कैसे स्कोर नहीं आता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं एंड देन फिर बातचीत करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डीबी टिल देन आप पढ़ते रहें थैंक यू